तो कैसे, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं खाने वाला हूँ किस तरीके से वॉलपेपर लगाना है दीवार पे। अगर आपके दीवार पर दोस्तों प्लास्टर नहीं है तो आप लोग इस वाले ईंट पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग वॉलपेपर भी देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वॉलपेपर है। और ये मैं दोस्तों एक रोल आया था समथिंग में, वही ऑफलाइन में लेके आया था, 500 रुपये का पड़ा था। तो अगर आप भी इसे परचेस करना चाहें तो आप अपने मार्केट में जा करके परचेस कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को लगाना है और इसमें क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये दोस्तों सिंपली ऐसे नहीं चिपकेगा, यहाँ पर आप इसे इस तरीके से निकाल के चिपका सकते हैं, इसमें गोंद लगा हुआ है। अगर गोंद नहीं चिपकता है तो आपके पास इस तरीके की कीला होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों को मार्केट में इजी तरीके से मिल जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा सारा चीज यहाँ पर करके दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आप भी वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं अपने घर में अपने दीवार पर, अगर आप भी अपना एक यूट्यूब सेटअप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करता है या नहीं करता है और आप लोग अगर लगा देते हैं तो किस तरीके का लुक देगा, सारा चीज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अब आप लोग वीडियो को देखिए और मैं सारा चीज यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो जब भी आप लोगों को वॉलपेपर लगाना है दीवार पे तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपकी लाइटिंग होना चाहिए। अगर आपके पास लाइटिंग है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास लाइटिंग नहीं है या आपके पास व्यवस्था लाइट की नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि सनलाइट आना चाहिए। अगर आपके पास सनलाइट नहीं आएगी, आपके वॉलपेपर पर नहीं लगेगी, तो आपका फोटो दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान देना है, जहाँ पर भी आप लोग अपना वॉलपेपर लगाएं आपको प्रॉपर लाइट मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइट भी मिल रही है और लोकेशन भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर खुरदरापन नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर किस तरीके से सेटअप को लगाना है, किस तरीके से वॉलपेपर लगाना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से वॉलपेपर को खोल लेना है। खोलने के बाद आप लोगों को एरिया देख लेना है, कितने एरिया में लगाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर पहले आप लोगों को देख लेना है कहाँ से कितना वॉलपेपर लगाना है। मान लो कितना वॉलपेपर लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से वॉलपेपर को काट लेना है। काटने के बाद आप लोगों को दोबारा से इसको यहाँ से ये नहीं उल्टा कर देना, इस तरीके से नहीं उल्टा करना है, आप लोगों को सीधा इसी तरीके से रखना है। और इस तरीके से रखने के बाद आप लोगों को दोबारा कट करने के बाद दोबारा से आप लोगों को उसी डायरेक्शन में रखना है, ऐसा नहीं करना है इस तरीके से। अगर आप लोग इस तरीके से लगा देंगे तो यहाँ पर जो ये लाइनिंग दिख रही है ना, इस मैच हो जाएंगी, जिसमें जैसे आप लोगों का वॉलपेपर जो है अच्छी तरीके से सेटअप नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को जरूर ध्यान देना है कि ये आप लोगों को सीधा रखना है, उल्टा नहीं करना है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है इस तरीके से। और यहाँ पर ये दोस्तों निकलता है, यहाँ पर आपको चिपकने वाला यहाँ पर निकल आता है, तो इसे छुड़ा लेना है। छुड़ाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर पकड़ लेना है आपको, इस तरीके से यहाँ पर कीला ले लेना है। कीला लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद आप लोगों को इस कोने पर भी लगा देना है और ये आपके सामने इस तरीके से रुक जाएगा। रुकने के बाद आप इस तरीके से एक कपड़े को लेकर के यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद मैं आप लोगों को पूरा सेटअप दिखाता हूँ, पूरा डिटेल से दिखाऊंगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो को कट कर देते हैं, कट करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ ये सेटअप कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेटअप बन चुका है और यहाँ पर वॉलपेपर लग चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी लाइनिंग है प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर ये जो दीवार है दोस्तों सही तरीके से प्लास्टर नहीं है और सही तरीके से ईंटें नहीं लगी हुई है, निकली हुई है और कुछ अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिल सकता है ईंटें अंदर बाहर हो सकती है। यहाँ पर ये सारा सेटअप बन चुका है और ये सेटअप कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर। प्रॉपर तरीके से कीला भी ऊपर लगा है, इस तरीके से अगर कोई यहाँ पे हाथ पैर मारता है तो ये छूटेगा नहीं, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है, सारी लाइनें दोस्तों एक दूसरे से मिल रही हैं, कहीं भी किसी तरीके से मिसमैच नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो को देखने से मोटिवेट मिला होगा और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।